Hey guys, कैसे हैं आप लोग। इस चैनल के बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ हाँ, आपका भी जो इतने मुस्कुरा के वीडियो देख रहे हो। इस एपिसोड में देखो आखिरी में वो हो गया ना जी, जो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था। माइंड ब्लो हो गया भाई। जो कुछ भी आखिरी में हुआ है वो मैंने वीडियो के एंड में पूरी तरह से अपनी थ्योरी बहुत ज्यादा एकदम मैथ्स लगा कर, साइंस लगा कर, क्वांटम फिजिक्स लगा कर बताई है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और अगर नहीं देखोगे हो सकता है टीवी वाले आके तुम्हें प्रून कर दे, आप वो दर्द नहीं सह पाओ। तो जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तैयार है, वही इस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहे। और बाकी यूट्यूब का अपना पर्सनल टिकटॉक YouTube Shorts जाके देख लो, वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी रील्स भी मिली। तो बिना किसी टाइमलाइन की ब्रांच पर चढ़कर फल तोड़े सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। Let's get started। दोस्तों देखो, एपिसोड की शुरुआत इस इंट्रो में आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे कोई पेज पलटने वाले सीन्स आते हैं ना, वहां पे अलग अलग कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो सबकी इमेजेस आती हैं, और वहां पे उसकी इस एपिसोड में तो डायलॉग्स भी सुनाई गई है। यहाँ तक कि देयर वॉज एन आइडिया और आई एम आयरन मैन तक की भी डायलॉग सुनाई गई। फिर में आगे चलते चलते हमें दिखाई देता है कि वो जो इंट्रो है लोगों का, वो अंदर जा रहा है किसी एक टनल के। फिर बाद में हमें पता चलता है ये टनल और कोई नहीं बल्कि सीक्रेट टाइमलाइन है। और यहाँ पे वांडा विजन से ग्रीफ नॉट परसीविंग वाले डायलॉग की भी आवाज आती है। यानी कि हमें यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी की पूरी एक सीक्रेट सी टाइमलाइन है जो कि भ्रष्ट होने वाली है, बिल्कुल भ्रष्ट होने वाली है, पॉलिटिक्स की तरह भ्रष्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मतलब ऐसा एक नेब्यूला टाइप का है जो एपिसोड के मिड सीजन स्नेक पीक में हमें देखने को भी मिला था, जो और कुछ नहीं बल्कि एक लाइक बहुत बड़ी सी चट्टान रहती है जो स्पेस में टाइमलाइन के बीच में ऐसा रिप्रेजेंटेशन में उड़ रही रहती है। और उसमें हम देखते हैं किला है, माने यूरोपियन आर्किटेक्चर का किला स्पेस में पता नहीं कैसे घूम रहा है, समझ नहीं आया। और हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी थोड़ा हिचकिचाने के बाद दरवाजा अपने आप खुलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। उनको सबसे पहले सामना होता है मिस मिनट से, जिसकी शुरुआत काफी ज्यादा गंदे तरह से होती है। हमें पता था कि मिस मिनट कोई ना कोई काम जरूर कर रही है, क्योंकि वो AI होने के साथ साथ काफी ज्यादा काइयां भी है, घाग आदमी, बदतमीज। उसके बाद वो बताते हैं कि ये किला किसका है, ये किला उसका, बिल्कुल जैसे भगवान का डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, ही द वन हु रिमेन्स, ऐसा मतलब एक रॉयल सी फीलिंग दे देते हैं कि ये जो दरवाजे के पीछे है वो इतना बड़ा है, इतना भयानक है, इतना प्योर है, इसी ने सबको बनाया है। मिस मिनट्स वहां से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं आगे चलने का। चलने के बाद उनको जब एक कमरे में घुसते हैं, वहां पे उनको पता चलता है कि ये जगह काफी ज्यादा पुरानी है, धूल गर्दा खाई हुई है। और लोकी को शक होता है कि वहां पे जिसकी ये जगह है वो आखिर जिंदा भी है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वहां पे वही रहता है ही द वन हु रिमेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एंट मैन एंड द वॉस्प में कैंग द कॉन्करर के रोल में अनाउंस किए गए एक्टर जोनाथन मेजर्स हैं, जो कि सेब खाते रहते हैं। क्या मतलब है स्पेस के किले में एक बंदा पर्पल कलर का रोब पहनकर सेब खा। उसके बाद यहाँ पे सीधे देखो दो, जब वो लोग उससे मिलते हैं और वहां तक जाने के बाद तक हमें केवल डायलॉग ही डायलॉग सुनाई देते हैं, एक्शन जैसे जीरो ही हुआ इस एपिसोड में, लेकिन ये एपिसोड डिप्रेशन देके चला गया। लोग उससे मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि देखो मैं आपकी चिंता करता हूँ और आपका मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को बताता है कि मैं ही हूँ जिसने सबको बनाया, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो यहाँ पे आए हो मैंने तुमको आने के लिए रास्ता पूरा बनाया। वो एलायत से लड़ाई, लेवेंटिस के झील के किनारे दोनों का बैठना, वो सब प्लान था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों आगे क्या बोलने वाले हो। तुमको पेपर दिखाता है कि जो उन्होंने अब तक बोला है और जो वो आगे बोलेंगे, और अगर ध्यान से सुने तो जो जो स्क्रिप्ट में लिखा भी रहता है कि वो लोग आगे क्या बोलने वाले हैं, वो सच में वो लोग बोलते हैं। उसके बाद देखो ये पूरा होल एक सीक्वेंस चलता है बताने के लिए कि वो है कौन। वो बताता है कई नाम से बुलाया गया है, कहा गया है जर्क ही द वन हु रिमेन्स। सबसे मेन बात यहाँ पे आती है द कॉन्करर, कैंग द कॉन्करर, मार्वल वाले हमको येड़ा बनाने चले। वो पहले से ही मालूम था कैंग का कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे एक होलोग्राम कहीं या लिक्विड होलोग्राम टाइप का कुछ ऐसा दिखाता है कि यहाँ पे हुआ क्या आखिर, मैं कौन हूँ। पता ये चलता है कि 31st सेंचुरी में वो पृथ्वी पर उसका एक वेरियंट साइंटिस्ट था जिसने कई यूनिवर्स के लेयर होने का पता लगाया था। पैरेलल यूनिवर्स में जाने का एक उसने वे बनाया, पोर्टल, वो दरवाजा जो लोकी में आपने कई बार देखा है। और उसने यूनिवर्स की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वो दूसरे यूनिवर्स के अपने ही वेरिएंट के साथ शेयर कर रहे थे, अपनी नॉलेज को बाकी यूनिवर्स में भी दे रहे थे। पर जैसा कि होता है हर चीज सही नहीं चल सकती, यहाँ भी होता है कि हर चीज सही नहीं चलती है, कुछ वेरियंट्स बेवकूफी कर जाते हैं और मल्टीवर्स की वॉर छिड़ जाती है, यानी कि गैंग्स के बीच में वॉर छिड़ जाती है।
इसीलिए अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ने लगते हैं दूसरे यूनिवर्स वाले खुद से, धरती से। और इसी को रोकने के लिए फिर ये वाला जो लाइक जोनाथन मेजर्स का जो भी कैरेक्टर था, कैंग का नाम नहीं लिया गया इसमें, वो बताता है कि मैंने सब कुछ कंट्रोल किया और फिर मैंने मल्टीवर्स की जो वॉर थी, यानी कि खुद का खुद से ही लड़ना बस अलग अलग रूप में, वो रोक दिया और एक सेक्रेट टाइमलाइन में उसको मोल्ड कर दिया। अब जो है वो है, यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि मोबियस रेंसलेयर से मिल रहा है, काफी ज्यादा फाइट होती है और हाँ रेंसलेयर को वो प्रून करने जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आता है फ्री विल का। ये फ्री विल है टाइमलाइन के आजाद होने का, एक सेक्रेट टाइमलाइन में ना रहने का, यानी कि जितने पैरेलल यूनिवर्स है वो सब एक टाइमलाइन में आ गए, कोई अलग वेरिएशन ब्रांच नहीं है। पर ऐसा थोड़ी होता है, फ्री विल को ढूंढने के लिए आखिरी में रेंसलेयर मोबियस को धक्का देकर पोर्टल से चली जाती है। यहाँ पे हंटर B-15 अपने सारे टीवीए के एजेंट्स को, टीवीए के हंटर्स को सच बता देती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, देयर इज लॉट टू टॉक। पर वहीं पे अगर आप देखें तो लोकी और सिल्वी उसकी बातों सुन रहे होते हैं, लेकिन सिल्वी हमेशा कहती है कि यू आर अ लायर, झूठ बोल रहे हो तुम। वहीं लोकी उसकी बात को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है, वो जानता है कि ये हम अगर इसको मार देंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क कर जाएगा। सिल्वी कहां से मानने वाली, उसका मकसद था टाइम कीपर्स को खत्म करना और चले जाना, पर जबकि टाइम कीपर्स नकली निकले तो टाइम कीपर्स के पीछे कौन है, उसको खत्म करना और बस रफू चक्कर हो जाना। लेकिन यहाँ पे वही होता है, गड़बड़ हो गई भाई, बहुत बुरी गड़बड़ हुई है। इसी बात को लेकर लोकी और सिल्वी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि हो सकता है इसको मारने से हम लोग किसी एक बहुत ही बड़ी, हम दोनों से जो बड़ा है उसको ट्रिगर कर दें, मास ट्रिगर हो जाए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। पर सिल्वी कहाँ मानने वाली थी, आपस की हुई लड़ाई के बाद सिल्वी उसको टेम्पैड से वहीं पर धक्का मारती है टीवीए के अंदर और सिल्वी उसको मार देती है, कि जोनाथन मेजर्स का जो कैरेक्टर था उसको मार देती है। और वो मरते मरते एक चीज कहता है, ये नोट करने वाली है, सी यू सून, जल्द मिलता हूँ, ये कह के वो मर जाता है। और फिर हम देखते हैं भाई साहब बिजली जैसे कड़कती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज आती है, और हम देखते हैं कि जो सेक्रेट टाइमलाइन उस किले के अराउंड में घूम रही थी वो काफी ज्यादा ब्रांचेस में बटने लग जाती है, लाइक शाखाएं निकलने लग जाती हैं, अलग अलग वर्जन्स बनने लग जाते हैं। अगर दूर से देखे तो भाई बिल्कुल ही जैसे एक बहुत ही सूखे पेड़ की काफी सारी टहनियां लगी रहती है ना, अलग अलग ब्रांच अलग अलग ओर जा रही है लेकिन एक ही जड़ से निकली है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे टाइमलाइन के साथ हो जाता है। और सिल्वी उसको मारने के बाद उसे भी शायद से पता लग जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ कर दी है उसने। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोकी मोबियस और हंटर B-15 के पास जाता है और नेक्सस इवेंट अब क्रिएट हो चुका है। वो उससे बताता है कि हम इसे नहीं रोक सकते। पर यहाँ पे हमें एक और चीज पता लगती है कि मोबियस को पता ही नहीं लगता कि आखिर ये लोकी है कौन, जो कि पूरी सीरीज में उसके साथ उसका दोस्त बन के घूम रहा था। फिर लोकी कुछ नहीं जवाब देता, उसको पीछे देखता है तो वहां पे तीनों टाइम कीपर्स की मूर्ति की जगह एक टाइम कीपर या कहें एक इंसान की मूर्ति आ जाती है, मेजर्स का कैरेक्टर था उसकी मूर्ति आ जाती है और एपिसोड यहीं पे बहुत बुरी तरह से कट हो जाता है, खत्म होता रहता है। क्रेडिट्स में आखिरी में हमें ये दिखता है कि स्टैंप आता है और वो छाप के ये चला जाता है कि लोकी विल रिटर्न इन season 2। इट्स ऑफिशियली कंफर्म कि लोकी का season 2 आ रहा है और उसमें मुझे नहीं पता क्या हो जाए। चलो उसकी बात करते हैं जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी, थ्योरी की भाई टाइमलाइन बिगड़ी है लोकी से, यानी कि 2012 में टेक्निकली अब 2012 से ही टाइमलाइन बिगड़ी क्योंकि टीवीए में समय बीतता ही नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज अब संभालेंगे इसे अपनी आगे आने वाली मूवी में, जिसका असर हमें इससे पहले नो वे होम में दिखने वाला है और यही रिजल्ट करेगा एक्समैन का आना और सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने एंड तक देख लिया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर नहीं करोगे दिल टूट जाएगा, ये नहीं होने देना। ओके गाइस, अगर आपको मेरा स्पाइडरमैन नो वे होम का अपडेट वाला वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो देखो, और एक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कुछ जानना है जो कि बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा होने वाला है इंडिया में, उसके बारे में ये वाला वीडियो देखो। और मैं मिलता हूं आपसे जल्द अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए डोंट रुइन द सेक्रेट टाइमलाइन, गुड बाय।